आसानी से नौजवान सीख सकते हैं और इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन करें तो रोजगार के मौके, ऑनलाइन रोजगार के मौके बहुत सारे क्रिएट हो जाते हैं और वो एथेंटिक होते हैं, यानी कि $10, $20, $40, $50, even $100, $200 पर आवर जो है वो जॉब मिल जाती है। मैंने ऐसे लोग कराची में देखे हैं जिन जो $50, $100 पर आवर के हिसाब से काम कर रहे हैं, यानी कि $700-$800 जो है वो पर डे बना रहे हैं। $800 का मतलब क्या है, ₹1,20,000 पर डे बना रहे हैं। मैं मतलब यहाँ नाम भी ले सकता हूँ, लेकिन ये कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरह से काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत ज्यादा मेहनत की है। तो मेहनत ही है एक वाहिद रास्ता आगे बढ़ने का, सीखने का, और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप जितना भी घुसेंगे आगे तो आपको फायदा ही होगा। बाकी जो रूटीन की तालीम है हमारी वो बड़ी डैमेजिंग है, उसके अंदर कुछ बहुत ही पॉलिटिकल किस्म के डिसीजन हुए हुए हैं, बड़ी क्लास डिवीजन है उसके अंदर, हम उस तालीम के निज़ाम से कुछ हासिल नहीं कर पाते। बल्कि कि हमारे यूनिवर्सिटीज के और कॉलेजेस के लोग जो है, बच्चे जो है, वो उनका कसूर नहीं है, लेकिन सियासत इतनी ज्यादा हुई हुई है क्योंकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है बहुत पुअर है, और वो फिर मैदान में घुस नहीं पाते, पैसे देके नौकरी लेते हैं, फिर वो नौकरी कुछ कर नहीं पाते, ब्यूरोक्रेसी का बुरा हाल है। खैर मैं साइड पर जाना नहीं चाहता, रियलिटी है इस थर्ड वर्ल्ड की और खूबसूरत पाकिस्तान की। लेकिन मेहनत करने वाला बच्चा जो है, नौजवान जो है, बच्ची जो है, वो अगर चाहें तो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के जो 5-6 सब्जेक्ट्स हैं जिसके अंदर आपको 10वीं जमात की अंग्रेजी और 10वीं जमात की मैथ्स की जरूरत है, और आहिस्ता आहिस्ता आप मेहनत करते 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 खुद पढ़ते हुए भी, ऑनलाइन पढ़ते हुए भी, यूट्यूब पे पढ़ते भी, और PIAIC के कोर्स को भी फॉलो करते हुए आप 6 महीने से साल, 1.5 साल के अंदर इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन तक पहुंच सकते हैं, और उसके बाद फ्रीलांसिंग के जरिए आप बहुत पैसे बना सकते हैं। ये कोई मुश्किल काम नहीं रहा इस वक्त पाकिस्तान की जो